नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे आपके जो कॉम्पिटेटिव लेवल पे फिजिक्स आती है उससे रिलेटेड हम लोग जिससे जितने गवर्नमेंट टाइप के एग्ज़ाम्स हैं, मैं इंजीनियरिंग या मेडिकल क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम हैं, जैसे आपके स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ एयरफोर्स एक्स ग्रुप में और आपके नेवी वाले में नेवी सेक्शन हो, या आप मतलब जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं जनरली एग्ज़ाम्स में आते हैं, और स्पेशली हमारा टारगेट रहेगा आपके एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं व्याख्या करूँगा। स्पेशली तो ये एयरफोर्स नेवी के लिए है ही, साथ साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स जैसे आपके रेलवे हुआ, रेलवे में जैसे आपके NTPC के एग्ज़ाम होने वाले उसमें भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछता है, जैसे रेलवे से जितने भी एग्ज़ाम्स है उसमें फिजिक्स पूछता ही पूछता है, तो उसमें भी आपके आराम से इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो फिलहाल उन्हीं चीज़ों को मैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से ही, यानी गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आने वाले फिजिक्स से रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन को क्या करूँगा, डील करने की और आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। उसके साथ साथ स्पेशली ये फोकस रहेगा एयरफोर्स नेवी के लिए, लेकिन और भी एग्ज़ाम्स के लिए ये बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआती चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। शुरू का केस हमारा होगा, जो कॉन्सेप्ट लेंगे हम लोग पहला जो होगा फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स का बड़ा ही अहम रोल होता है एयरफोर्स में। फिजिक्स जिसको आप क्या करते हैं दोस्तों, भौतिकी, खास तौर पर ये जो होगा एयरफोर्स नेवी स्पेशली इन दो के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में भी देता है। फिलहाल देखते हैं फिजिक्स के बारे में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कोई हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हैं कि हमें पूरी डिटेल चाहिए, हमको क्या होती है जनरली जिन चीज़ों को समझना है उसमें थ्योरेटिकल उतने लिखने नहीं होते हैं, जनरल हम समझते चलेंगे चीज़ों को और फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, डील करेंगे, और उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चनों को और टर्म्स को समझाता चलूँगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, पहला जो चैप्टर है, पहला जो कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स में, खासतौर पर एयरफोर्स वाले सेक्शन में या आपके रेलवे एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मात्रक। चैप्टर का दे देते हैं नाम, मात्रक और बीमा। यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम आपको समझाते हैं, उसके बाद मैं मात्रक और बीमा की तरफ चलूँगा। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ भौतिक राशि के बारे में, भौतिक राशि क्या होती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, बस जनरली हम समझते चलेंगे, बाकी सब आप अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए कॉन्सेप्ट को देखते हैं, चूँकि जैसा कि आपको पता है NU इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट, N को बोलते हैं दोस्तों संख्या और इसको बोलते हैं मात्रक और ये होती है नियत, यानी अगर आप बनाना चाहते हैं तो संख्या और मात्रक का गुणन क्या होता है, सदैव कांस्टेंट होता है, और ये जिस राशि को व्यक्त करती है उसी राशि को क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जैसे 2 एम्पियर, ये बताइए 2 क्या है, संख्या है मात्रक, एम्पियर, एम्पियर किसको डिनोट करेगा, ये किसको, वैद्युत धारा को, तो धारा कौन सी राशि होगी दोस्तों, भौतिक राशि। इस तरीके से अगर आप 2 न्यूटन दिखाना चाहें तो 2 क्या हो गया, संख्या न्यूटन हो गया, मात्रक न्यूटन किसको दिखाता है, फोर्स यानी बल को डिनोट करता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बल कौन सी राशि होगी, फिजिकल क्वांटिटीज होगी। तो भौतिक राशि के बारे में आप समझ गए हैं कि ये भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, भौतिक राशियों के कुछ क्या होती है, ब्रांचेज होती है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं और फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए भौतिक राशियाँ, जो भौतिक राशियाँ होती है दोस्तों वो होती है मूल राशियाँ,
दूसरा आप कह सकते हैं व्युत्पन्न राशियां, और थर्ड में आप ले सकते हैं पूरक राशियां, पूरक राशियां। देखिए मूल राशियां जो होती है सात प्रकार की होती है, लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा जो होता है समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और सातवां होता है वैद्युत धारा। तो ये दोस्तों ये सात टाइप्स की होती है मूल राशियां जो होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और वैद्युत धारा। ये सात प्रकार की होती है। मूल राशियों को छोड़कर जितनी भी राशि पाई जाती है वो क्या कहलाती है, सारी की सारी क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो व्युत्पन्न राशियां के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसमें जैसे आ गया आपका क्षेत्रफल, आयतन, दाब, डैश डैश सारी जितनी भी होगी। पूरक राशियों में जो होती है एक होता है कोण और दूसरा होता है दोस्तों घन कोण। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बस जनरली टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई आप इंजीनियरिंग या मेडिकल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं जहाँ पर काफ़ी डिटेल आपसे पूछा जाए, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे हैं, क्लास 12th 11th में आप अच्छे से पढ़े हैं, तो बड़े आसानी से एयरफोर्स नेवी के क्वेश्चनों को डील कर जाएंगे। चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं। भौतिक राशियों को तीन सेक्शनों में बांटा गया है, पहली मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि और तीसरी क्या होती है, पूरक राशियां। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। मूल राशियां क्या होती है, वे राशियां जो स्वतंत्र होती है यानी किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो आप जनरली लिख सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है, अर्थात मूल राशियां क्या होती हैं, स्वतंत्र होती है। ये कितने प्रकार की होती है, सात प्रकार की होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और वैद्युत धारा। दूसरा व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी से उत्पन्न, तो उत्पन्न किससे होगी, मूल राशि से, यानी मूल राशियों की सहायता से बनी राशि को क्या कहते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न राशि। यानी वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती है, किसी के ऊपर डिपेंड होती है यानी किसी की सहायता से मिलकर बनती है, उस राशियों को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, अब आप बताएं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये बताइए दोस्तों लंबाई क्या है, मूल राशि है, चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार की क्या है दोस्तों, लंबाई है। तो ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, मोटाई हो, कुछ भी हो इससे रिलेटेड, तो इसमें जितनी भी होती है सारे को क्या कहते हैं, लंबाई ही है उसको। चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। तो इस तरीके से जो लेंथ है मूल राशि है, इस तरीके से ये बताइए कि लंबाई और ये चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई में लंबाई का मल्टीपल हुआ है तो क्या आया है दोस्तों, चौड़ाई। तो इस तरीके से लंबाई क्या है, मूल राशि है, तो मूल राशि की सहायता से जो बनी है उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। तो क्षेत्रफल कौन सी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ। जैसे अब अगर अगला हम लोग लें जैसे आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, LBH। अभी हमने कहा कि लेंथ ब्रेथ भी L ही होता है और ये भी L ही होता है, L क्यूब हुआ, यानी L क्या है, मूल राशि है, और मूल राशि की सहायता का अगर L के तीन पावर करते हैं तो क्या बनता है आयतन। तो इस प्रकार आयतन कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि होती है। इन सारे राशियों को छोड़कर एक अलग कैटेगरी की राशि होती है कोण और घन कोण। कोण का मतलब होता है जो एंगल टू डायमेंशन में बने, जहाँ टू मतलब जिस जो दो दिशाओं में बने, जैसे ये व्हाइट बोर्ड एक्स है वाई है, तो अगर इसमें जो भी एंगल मेजर किया जाएगा उसको तो हम बोलते हैं कोण, लेकिन जो तीनों दिशाओं से मिलकर बनाया जाता है एंगल उसको बोलते हैं घन कोण। यानी ये 2D द्वारा बनाया जाता है, तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, 3D यानी गोले के द्वारा जो बनाया जाता है घन कोण, जबकि वृत्त के द्वारा क्या बनाया जाएगा, कोण। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो थोड़ा दोस्तों देख लेते हैं किस टाइप के जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्योति तीव्रता, ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछ सकता है ज्योति तीव्रता है, फर्स्ट दे सकता है मूल राशियां, दूसरा दे सकता है व्युत्पन्न राशियां,
छड़ दे सकता है दोस्तों आपको, पूरक राशि या फोड़ दे सकता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो इस तरीके से अगर आपको जानकारी है कि ज्योति तीव्रता क्या है, तो ज्योति तीव्रता एक प्रकार की मूल राशि है, तो आप टिक कीजिए, क्योंकि वहाँ तो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको वहाँ कोई डिटेल लिखना नहीं होता है, तो आप जनरली क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो हो गई ज्योति तीव्रता कौन हो गई, मूल राशि हो गई। तो इस तरीके से मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब जैसे क्वेश्चन दे दे कोण, कोण है, फर्स्ट दे दे मूल राशियां, सेकंड दे दे व्युत्पन्न राशियां, थर्ड दे दे क्या पूरक राशियां, और फोर्थ दे दे इनमें से कोई नहीं, एनओटी, नन ऑफ दीज। तो कौन सा है दोस्तों, पूरक राशि है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे, धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, आगे लेके चलेंगे। तो कौन सा हो गया, ये पूरक राशिया हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं, भौतिक राशि के बारे में जाना, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ। मूल राशियाँ सात होती है, इनको छोड़ के लगभग जितनी होती है वो व्युत्पन्न होती है, पूरक राशि एक अलग कैटेगरी होती है, कोण और घन को। अब चलते हैं दोस्तों मातृक की तरफ। मात्रक यूनिट, तो अब दोस्तों देखेंगे यूनिट्स। देखिए किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, एक निश्चित मात्रक का, एक निश्चित मानक का क्या किया जाता है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित परिमाण का मानक मान लिया जाता है, और इस मानक को ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। फिलहाल हम कॉम्पिटेटिव लेवल में देख रहे हैं, तो इसे हमें इसकी परिभाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनरली अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं बोल दे रहा हूँ, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित परिमाण का मानक मान लिया जाता है, इस मानक को ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब बात आती है कि ये मात्रक की ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों, तो चलिए अब देखिए। जैसे मैं कहूँ दो, दो मतलब क्या, दो दो का मतलब संख्या होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ कह दूँ एम्पियर, तो एम्पियर किसको डिनोट कर दिया, करंट को बताया, धारा को, धारा ये किसको डिनोट किया दोस्तों, धारा। अगर मैं कह दूँ दो न्यूटन, तो ये किसको डिनोट कर दिया, फोर्स को डिनोट किया, बल, तो ये किसको डिनोट कर दिया, बल को डिनोट कर दिया। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि जब तक हमें यूनिट न पता हो, मात्रक न पता हो, हम उस भौतिक राशि के बारे में कोई जानकारी बता ही नहीं पाएंगे, हम कन्फर्म ही नहीं कर सकते कि आखिर ये भौतिक राशि कौन सी है। इसीलिए हमें क्या पड़ी, यूनिट्स की आवश्यकता पड़ी। तो जिस प्रकार से भौतिक राशियाँ तीन होती है, वैसे ही मूल मात्रक भी कितने होते हैं, तीन होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मात्रक के बारे में। तो मात्रक में पहला आएगा मूल मात्रक, दूसरा होगा व्युत्पन्न मात्रक, पन्न मात्रक, और थर्ड क्या होता है दोस्तों, पूरक मात्रक। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक, और पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, पहला लंबाई, सेकंड जो होता है द्रव्यमान, थर्ड जो होता है समय, ताप, ज्योति तीव्रता, छठवां होगा पदार्थ की मात्रा, और सातवां जो सेक्शन आएगा वो होगा वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। तो ये सात प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं, जिनके मात्रक मात्रक जो होते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, मैं इंग्लिश में ही लिखता चल रहा हूँ मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस या केल्विन बोल सकते हैं, ऐसे हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, केल्विन लेंगे, डिग्री सेल्सियस नहीं लेते हैं इसमें। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, सीडी, कैंडीला। पदार्थ की मात्रा का क्या होगा, मोल।
और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, AMP। तो इस तरीके से ये सात मूल राशियाँ हो, मूल मात्रक होते हैं। चूंकि मूल राशियाँ सात होती है इसलिए इसके मात्रक भी कितने होते हैं, सात होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक में जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। मीटर क्या है जी, मूल मात्रक है, और मूल मात्रक की सहायता से जो भी मात्रक बनता है उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे दाब हो गया, दाब का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये सारे के सारे क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। पूरक मात्रक के बारे में समझते हैं, कोण और घन कोण। ये आपको क्वेश्चन दे सकता है, जनरल सा क्वेश्चन है, ऐसे देने के चांसेस नहीं होते, लेकिन पूछ सकता है। कोण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, रेडियन, और इसका मात्रक क्या होता है, स्टे रेडियन, रेडियन। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, कोण का मात्रक क्या हो गया, रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या होगा, स्टे रेडियन। तो मात्रक के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। अगर आपको लिखना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपना कायदे से नोट्स बनाएं। देखिए, एक जनरली पढ़ने से अच्छा है कि आप लगातार वीडियो के साथ साथ आप एक बार देखें, फिर आराम से पॉज कर करके उसको नोट्स के फॉर्मेट में लिखें, नोट्स लिखें। उसके बाद आपको क्या होता है, जब एग्ज़ाम टाइम में जाते हैं तो वही नोट्स आपको काम आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। मात्रक वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अगर आपको मात्रक से रिलेटेड या हम भौतिक राशियों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग, ये तो था इंट्रोडक्शन, परिचय। अब हम लोग चलेंगे असली मेन टॉपिक से, वो है डायमेंशन, बीमा, डायमेंशन, बीमा। देखिए, बीमा की परिभाषा अगर हम कहें तो मूल भौतिक राशियों को, मूल भौतिक राशियों को घात के रूप में व्यक्त करना ही बीमा कहलाता है। ठीक है, मूल भौतिक राशियों को घात के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। तो आप ध्यान दें, मूल भौतिक राशियों को घात के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, बीमा कहलाता है। अब चलिए, बीमा के बारे में तो हम लोग जान गए, और बीमा को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, इस बड़े से ब्रैकेट से डिनोट करते हैं बीमा। तो चलिए अब देखते हैं, बीमा जो होता है इसकी तो डेफिनेशन ये हो गई। बीमा में जो होता है, हमको मेनली जो होता है, आपको क्वेश्चन जो पूछता है कॉन्सेप्ट में देता है, तो आपको मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ बीमा निकालना देता है। इस चैप्टर से बीमा निकालने के प्रोसेस को देता है कि बीमा में, बीमा से ही रिलेटेड क्वेश्चन देता है, और सिर्फ बीमा निकालना, क्योंकि आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि बीमा के अनेक उपयोग है। बीमा निकालना है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, सूत्र की सत्यता की जाँच करना। तो ये तीन सेक्शन नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ एक देता है, बीमा निकालना। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, बीमा निकालना सीखते हैं, कैसे बीमा निकाला जाता है। बीमा डायमेंशन, ठीक है, चलिए डायमेंशन के बारे में चलते हैं। चूंकि जब भी हो लंबाई, तो लंबाई की बीमा क्या होती है दोस्तों, एल, द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान आ गई तो इसकी बीमा क्या होगी, एम, समय। तो समय की बीमा क्या होती है, टी। ताप, ताप की बीमा क्या होती है दोस्तों, थीटा कहें या आप के भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें सही हैं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को हम कैपिटल सी और स्मॉल डी से दिखाते हैं। पदार्थ की मात्रा, एम ओ एल, बस स्मॉल एल ई मत लिखे, एम ओ एल। अब वैद्युत धारा, वैद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, एम्पियर से, ए से, बस। तो ये मूल राशि, मूल भौतिक राशियाँ होती हैं, इनको बीमा से डिनोट करने का प्रोसेस जो होता है, ध्यान रखिएगा, बीमा जो होती है उसको हम क्या करते हैं, बीमा जो निकालते हैं
वो लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से, ताप को थीटा या के से, ज्योति तीव्रता को सी डी से, पदार्थ की मात्रा को मोल को, वैद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर मैं मिटा रहा हूँ इसे। आराम से आप वीडियो को पॉज करें, फिर आप लिखें आराम से। चलिए देखते हैं आप बीमा निकालना। ऐसे हमें उम्मीद है कि आप क्लास आप पढ़े होंगे 11th 12th में तो बीमा निकालना आपने सीखा ही होगा। फिर भी कुछ बीमाएं मैं निकालना सिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं बीमा निकालना सिखाता हूँ। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की बीमा एल होती है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई हो तो एल होगी, तो ये क्या हो गया एल स्क्वायर। दूसरा हम निकालेंगे आयतन, तो आयतन में क्या होगा एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो एल एल और क्या होगा दोस्तों एल। तो इस तरीके से तीनों मिलेंगे तो क्या होगा एल के पावर 3। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एल टू द पावर क्या हो गया 3। अब थोड़े एक थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़े से लेवल का। थर्ड वाला जी एफ इक्वल्स टू क्या होता है गुरुत्वाकर्षण वाला बल में जी एम वन एम टू बाई क्या होता है आर स्क्वायर। तो जी इक्वल्स टू क्या हो गया एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं चार बीमा लिख रहा हूँ, ऐसे उसे निकाल भी सकते हैं, ऐसे याद रहे तो अच्छा रहेगा। वेग की बीमा क्या होती है एल टी माइनस वन, त्वरण की बीमा जो होती है एल टी माइनस टू, और वेग बल की बीमा जो होती है एम एल टी माइनस टू, और कार्य कार्य या ऊर्जा इसकी जो बीमा होती है दोस्तों एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वेग की बीमा एल टी माइनस वन, त्वरण की बीमा क्या होती है एल टी माइनस टू, बल की बीमा क्या होगी एम एल टी माइनस टू, और कार्य की बीमा क्या होगी या ऊर्जा की बीमा क्या होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो एफ की बीमा क्या होगी एम एल टी माइनस टू, दूरी है तो एल स्क्वायर, एम वन की बीमा एम और एम मिल के क्या होगा एम स्क्वायर। अब ऐसा नहीं देखते हैं कि एम को एम से काट देंगे, ना जी, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, लेकिन एम से एक पावर कम होगा तो क्या होगा एम बचेगा माइनस वन एल के पावर 3 और टी के पावर माइनस टू। तो इस तरीके से हम लोग बीमा निकालते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको बीमा निकालने तो आता ही होगा। हम एक दो क्वेश्चनों को हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में फंसाते हैं आपको क्वेश्चन बीमा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बीमा से रिलेटेड। लिखिए दो राशियों के, दो राशियों के की समान बीमा के युग्म में, दो राशियों के समान बीमा के युग्म में, युग्म में गलत है, युग्म में गलत है, ये गलत छांटना है दोस्तों। फर्स्ट पहला दिया है आपको कार्य ऊर्जा, कार्य दिया है और ऊर्जा। दूसरी श्रेणी दिया हुआ है, सेकंड आवेग संवेग, आवेग संवेग। ठीक है, फिर दिया है सी कोणीय वेग, कोणीय वेग और आवृत्ति, आवृत्ति। फोर्थ जो दिया है, थर्ड हो गया ये, फोर्थ जो दिया है आपका बल और ऊर्जा, बल और ऊर्जा। देखिए ऐसे तो हम जनरली अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इन चारों में से आपको याद है तो बड़े आसानी से निकाल लोगे। आप देखो कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, काम खत्म। तो ये तो अपने आप में सही है जी, लेकिन हमको क्या करना है, गलत ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो ये तो सही है, हमको देखना है कि कौन गलत है। आवेग और संवेग, देखिए आवेग क्या होता है,
बल का आवेग बराबर क्या होता है? संवेग परिवर्तन, यानी आवेग किसके बराबर होता है? आवेग आवेग बराबर क्या होता है? संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, ये फॉर्मूला होता है। हम लोग आगे देखेंगे डेल्टा पी को आई कोस टू होता है डेल्टा पी, और आई बराबर क्या होता है? एफ इन टू डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा पी। ये फॉर्मूला होता है, यानी बल का आवेग किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन। इन दोनों के भी विमा क्या होगी? आपस में इक्वल होगा। कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है दोस्तों? थीटा अपॉन टी। कोण की तो कोई विमा नहीं होती है क्योंकि ये विमाहीन राशि है, तो वन अपॉन क्या होगा? टी, और टी जाएगा तो ऊपर क्या होगा? टी इनवर्स। अब देख लेते हैं आवृत्ति, आवृत्ति बराबर क्या होता है? एक बटे आवर्तकाल। अगर ये इसको लिखेंगे तो ये भी क्या होगा? टी, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा? टी इनवर्स। तो दोनों की बीमाएँ आपस में सेम है, इसका मतलब कोणीय वेग और इसकी भी क्या होगी? बीमा दोनों सेम हो गए। अब थोड़ा देखते हैं बल और ऊर्जा। बताइए बल की बीमा एम एल टी माइनस टू होती है, जबकि ऊर्जा की बीमा क्या होती है? बस तो ये ऑप्शन टिक कीजिए, सही है। कौन सा युग्म गलत था? बल और ऊर्जा। बल और ऊर्जा की बीमा आपस में बराबर नहीं होती है। अगर ये इन चारों को याद रखते तो बड़े आसानी से इसको डील कर देते। मैंने तो बस आपको इसलिए बता दिया था कि आप आसानी से इसे हल करके देखें, नहीं तो मुझे ध्यान था, बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा था कि बल और ऊर्जा की बीमा अपने आप में ही बराबर नहीं होती। तो चूँकि आपके क्वेश्चन में मल्टीपल टाइप क्वेश्चन नहीं होता है, मल्टीपल टाइप का मतलब ये होगा कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन क्या हो, रॉन्ग हो, सही, जैसे एक से ज़्यादा क्या हो, ऑप्शन सही हो, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछे भी जाते होंगे तो बहुत टिपिकल एक दो पूछे जाते होंगे, बाकी सब ये सिंगल क्वेश्चन सिंगल आंसर वाला ही पूछा जाता है कि उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मोस्ट जो है सबसे जो सही ऑप्शन आ रहा है बल और ऊर्जा, जो कि बीमाएँ आपस में समान नहीं होती। ऐसे दोस्तों आप तेज़ी ना करें, बड़े आराम से फाइनली पढ़ें। जब चीज़ें सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी एग्जाम को चुटकियों में मिटा सकते हैं।